अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप लेबल्स का ब्लॉगर के अंदर पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी कैटेगरीज का पेज, तो उसके अंदर जितनी भी आपकी कैटेगरीज होती हैं सारी सारी वो सेपरेट करके एक पेज बना देते थे हम। तो वहाँ पर आपको बता देता कि आपके यहाँ पर ये टोटल लिस्ट है, ये आपकी कैटेगरीज है। तो ये फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि अगर आप लेबल्स के जरिए अपनी अपनी जो पोस्ट देखना चाह रहे हैं कि यार एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज की जो भी लेबल आपने किसी पोस्ट को दिया वो सारी की सारी एक लिस्ट के अंदर आए, उसका पेज बना लें। तो अगर आप यूआरएल के अंदर टैप करें एक्सरसाइज, तो जितनी इसके साथ पोस्ट होंगी वो आपको शो। तो इसकी मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल चेक करा देता हूँ। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर की वजह से किसी के नॉलेज में इजाफा हो सके। तो चलिए सबसे पहले इसकी आपको मैं एग्जांपल चेक करा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको ये वीडियो आपके रिलेटेड है, आपके माइंड के टॉपिक रिलेटेड है, तो आप इसको व्यूज कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना ब्लॉगर ओपन कर लेता हूँ। तो ब्लॉगर ओपन करने के बाद मैं इस पर ये ऑलरेडी एम्प्लीमेंट मैं कर चुका हूँ। एक ब्लॉगर मैंने लास्ट नाइट मैंने क्रिएट किया था। तो ये देखिए बॉडी हेल्थ टिप्स के नाम से यहाँ पर तीन मैंने इसके अंदर पोस्ट ऐड की हुई है, तो इसके साथ लेबल भी है। अभी तक इसको मैंने कुछ भी थीम वगैरह अभी तक नहीं लगाया क्योंकि लास्ट नाइट मैंने पोस्ट ही जस्ट की थी, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो इसका थीम है वही है अभी तक। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, रीड मोर पर क्लिक करके जो इसके अंदर मैंने लेबल वगैरह किसी पोस्ट कर दिए तो वहाँ पर लेके चलता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए ये इसका लेबल है एक्सरसाइज टिप्स, एक पोस्ट मैंने लगाया ये सर्च की है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए यूआरएल के अंदर सर्च लेबल एक्सरसाइज, तो स्पेस की वजह से यहाँ पर उसने परसेंटेंज का यहाँ पर साइन लगा दिया और 20 लिख दिया, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका यूआरएल काफ़ी लेंथी हो जाता है। अगर हम इसका पेज बनाएं तो कैसे शो होगा, पेज अगर आप बनाएं तो यहाँ पर शो होगा पी इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश जो आपका जो है लेबल अंडरस्कोर, तो इसके बाद यहाँ पर डॉट एचटीएमएल। आपने पेज तो ऑलरेडी बनाए होंगे तो आपको इसके रिलेटेड पता भी होगा। मैं इस पर इंटर करता हूँ, हमने अगर पेज बनाया होगा तो ये ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने पेज बनाया था एक्सरसाइज टिप्स, तो एक्सरसाइज टिप्स की दो ही पोस्ट हैं, यानी दोनों को मैंने लेबल कराया था एक्सरसाइज टिप्स, तो ये दोनों पोस्ट यहाँ पर शो हो चुकी हैं। अब मैं एक और पेज बनाता हूँ आपके सामने ही, तो वो पेज कैसे बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पोस्ट को यहाँ से इस लेबल पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये है बेस्ट फूड फॉर हेल्थ, यानी इसकी पोस्ट एक ही है। इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डुप्लीकेट इसकी टैब जो मैं ओपन कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक पेज बनाते हैं, तो पेज का जो नेम है वो भी हम यही रखेंगे बेस्ट फूड फॉर हेल्थ। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसका टाइटल। तो यहाँ पर एक न्यू पेज, तो इसका जो टाइटल है हम यही रख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आपको आप बाद में डाल लीजिएगा आपके पेज के रिलेटेड जो भी आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेनी। तो यहाँ पर कोड हम पेस्ट करते हैं, तो कोड क्या है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पर पेज के अंदर जो मैंने लास्ट वीडियो यानी लास्ट पेज के अंदर मैंने ऐड की थी कोड किया था वही कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं सारे के सारे को, ठीक है, सारा कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट करता हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसका तरीका का समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा लिस्ट लेबल, तो जो आपका लेबल है तुम्हारा लेबल यही है, तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे। जो भी आपने पेज बनाना है उसका लेबल आपने रिप्लेस करते जाना है, ठीक है। ये हमारा जो लेबल है बेस्ट फूड फॉर हेल्थ, तो अब ये जो यूआरएल है आपने अपने ब्लॉगर का देना है। तो यहाँ पर देखिए ये पोस्ट मैंने ओपन की हुई है, तो यहाँ पर डॉट कॉम से यहाँ से बैक जो भी हमारा ब्लॉगर का यूआरएल वो कॉपी कर लेना है आपने। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए अब हमने इसको पेस्ट कर दिया, अब इसको मैं पब्लिश करता हूँ, ठीक है, कन्फर्म। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट फूड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर इसको मैं जैसे ही ओपन करूँगा यहाँ पर देखिएगा जो इसके रिलेटेड यहाँ पर देखिए 10 फूड चॉइस डेट्स इंप्रूव योर हेल्थ विदाउट स्ट्रेस डाइट्स।
तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर एक ही पोस्ट थी, तो इस पर मैं क्लिक करके आपको पोस्ट भी चेक कर देता हूँ। आया पोस्ट ओपन होती है कि नहीं, यहाँ पर देखिए न्यू टैब के अंदर ये पोस्ट भी ओपन हो रही है। यानी जितनी भी आप अगर इसके रिलेट अगर आप और पोस्ट कर देते हैं फूड सॉरी बेस्ट फूड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर देखिए आप इसका लेबल ऐड करते जाना है। जो भी आपने पोस्ट करनी है वहां पर उसका लेबल आपने ऐड करना है जो आपने यहाँ पर दिया है। तो एक्सरसाइज की दो थी तो यहाँ पर दो ओपन हो गई हैं, और बेस्ट फूड फॉर हेल्थ की वन थी तो यहाँ पर वन ही ओपन हो चुकी है। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो आपको ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह।